माफ कीजिएगा, लेकिन अब्बा और हाशमी साहब के बीच क्या दुश्मनी है? हमारी तरह हाशमी साहब को भी तुम्हारे अब्बा से काफी कुछ शिकायतें हैं। कई पेचीदे मसलों को लेकर जो नरम रुख अपनाया है काजी साहब ने, उससे न जाने कौम के कितने लोग नाराज हो गए। खैर छोड़ो उसे, कभी तुम जानते हो मस्जिद में नमाज को लेकर जो रुख अपनाया था तुमने, उसे देखकर कितने खुश हुए थे हाशमी साहब? जी, हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे। क्या अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द बराबर नहीं है? जो शरिया बोर्ड का डिसीजन, जो फैसला है, गलत है। हम कबीर अहमद वाइस चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते हैं। बल्कि तुम्हारे इस्तीफे को उन्होंने कुर्बानी की शक्ल दी थी। कितने बड़े लीडर है वो, और तुम पर भरोसा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कौम के नौजवानों से कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी जाके बैठना उनके साथ, अलग अलग मसलों पर उनकी राय जानकर। एक और बात कभी, मगर ये तो हमें समझ में आ गया है कि अपने बाद कौम की खिदमत के लिए वो किसे चुन रहे हैं। हाँ कबीर। मगर अबू, आपसे सच कहें, हम पूरी तरह उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है। भाई उनके साथ जाकर कुछ वक्त बिताओ, मिलो उन्हें। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो, हम एक और बात कहना चाहते थे। जी, हम दरख्वास्त करना चाहते हैं आप सबके सामने कि अलीना की शादी को लेकर कुछ दिनों के लिए हम उस पर फैसला ना ले, तो अगर आपको ये सही लगे। हमें लगता है कि ज़ारा माशाल्लाह वैसे भी उसे पढ़ा तो रही है, और अलीना के अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी उसके सर पे भी है, तो ये तो बहुत ही नेक ख्याल है बेटा। आप क्या कहते हैं? ठीक, शुक्रिया अबू। वैसे अलीना की शादी की बात ज़ारा इस घर में कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमने सबको बता दिया है कि अलीना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे तालीम तुम दोगी, सलीका तुम सिखाओगी, काबिल बनाओगी, ज़ारा जैसे बनाओगी। ज़रूर, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। ज़ारा जी, लाइट ऑफ रखे, ऑन रखे, आप बताइए। ठीक है, ऑफ रखते हैं। ज़ारा, ज़ारा क्या हो गया तुम्हें? हम तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहे, तुम हमें तवज्जो क्यों नहीं दे रही? हमारे कबीर, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम दोनों को अलग कमरे में रहना चाहिए? और अगर तुम चाहो तो हम वापस अपने मायके जा सकते हैं। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम्हें खुद से पूछो कबीर, तुम फिर हमसे एक ऐसी टकरार करने जा रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो जिससे चीजें और बिगड़ सकती है, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हाशमी साहब और हमारे अब्बा की टकराव, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू और तुम इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो? हम और हमारे अब्बू नाजायज फायदा उठा रहे? तारा क्या बोल रही हो तुम? सच कह रहे हैं कभी। हमें लगा था कि शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद तुम्हारा दिल बदल जाएगा, लेकिन नहीं कभी। तुम जानते हो अब्बा चाहते थे कि हम इस निकाह हलाला के केस से दूर रहें, ताकि हम दोनों के बीच दूरियां और ना बढ़े, लेकिन तुमने चाहा कि हम ये केस देखें। कबीर, अब हम चाह के भी इस केस से पीछे नहीं हट सकते। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे,
एक पल के लिए भी सोचा है कि आबिदा पे क्या गुजरती होगी? उन्होंने 3 बार तलाक बोलकर हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हम और मेरी बच्ची यहाँ पर डर डर की ठोकरें खा रहे थे। क्या सब सह रही है वो? किन चीजों से गुजर रही है वो? चलो आबिदा का छोड़ो, तुमने एक बार भी सोचा है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं? अरे दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कभी तलाक को लेकर क्या फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या बोलेगा। हमारी एक तलाक में ये हालत है कभी? उन औरतों का सोचो जिन्हें निकाह लाला से गुजरना होता है, उन पे क्या बीतती होगी? एक सेकंड, तुम्हारा बर्ताव तो ऐसा है कि हमने तुम पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया है जारा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि इस केस को हम कौन सी रोशनी में लेने वाले? हमने खुद नहीं तय किया तो तुम कैसे बोल रही हो ये सब? हम कुछ कुछ तो समझ गए कि तुम्हारा झुकाव किस तरफ जारा। हमारा झुकाव किस तरफ जारा? कौम को घर वालों से ऊपर रखते हो और अपने आप को घर वालों से नीचे, लिहाजा इसलिए तुम जल्दी बातों में भी आ जाते हो। बस कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है, दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? हमें तलाक देकर अपने आप को उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? बस कैसी बेहुदा बातें कर रही हो जानती हो तुम? हम लोगों की बात में आते सारा, हम दूसरे लोगों की बात। क्या कहा तुमने अभी? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। हमें तो लगता है कि आप अपनी सोच कबीर पर थोपते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। आखिर हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, कब तक चुप रहेंगे हम? घर में इतना कुछ हो गया, हमने कुछ नहीं कहा। कबीर ने जारा को तलाक दे दी तब भी हमने कुछ नहीं कहा। हमें तो लगता है आप फिर से कोई खेल खेल रहे ताकि जारा और कबीर अलग हो जाए, नदी के दो किनारों की तरह। आप क्यों नहीं समझते शाहबाज साहब कि वो एक दूसरे के लिए बने, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। हमें समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कह रही हैं। कहीं ना कहीं आप गलत समझ रही हैं हमें। अरे कबीर हमारा भी खून है, उसकी खैरियत हम भी चाहते हैं। आप जरा उसे पूछ के तो देखिए, कितनी बार हमने उसे समझाने की कोशिश की है। जारा को तलाक देने का उसका जो फैसला है उसे बदल दे, छोड़ दे उसे। हमने तो उसे यहां तक कहा कि उसके स्टडी सेंटर का जो काम है कुछ दिन के लिए किनारे लगाकर अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। ये मिराज का जो भी मसला है उसे हम संभाल लेंगे, मगर आपके साहबजादे जो है, हमारी बात तो माने वो। आप ये कह रहे हैं कि आपने कबीर को जारा को तलाक ना देने की सलाह दी? हाँ बिल्कुल, आप उसे पूछकर तो देखिए। तो क्या कहा कबीर ने? यही कि उसे पूरा वक्त चाहिए, उतना ही जितना कुरान पाक ने इजाजत दी है। अब उसकी इस दलील के सामने हम क्या कहें उसे, आप बताइए। कबीर का जिद्दीपन भी ना हर मामले में अपनी मर्जी करता है, लेकिन अब बस हम उसे अपने खुद का और जारा का नुकसान नहीं करने देंगे। हमें माफ कर दो। हम माफी मांगते हैं जारा। हमें भी माफ कर दो कभी। मार्च का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा था ना। सच कहे तो हमें लगता है कि कल का दिन भी इतना ही लंबा होने वाला है जारा। सोच के ही हम परेशान हो रहे हैं। इधर देखो, हमारी तरफ देखो। हम माफी तो मांग चुके जारा, तुम परेशान क्यों? परेशान नहीं है कबीर, बस उदास है। हम एक ऐसी लड़की हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने शौहर के साथ प्यार करना चाहती थी, अपने शौहर की चहेती बन के जीना चाहती थी, अपने गृहस्थी के बारे में सोचना चाहती थी। अफसोस हम आजकल सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और वो है तलाक। यही सोचते रहते हैं कि कबीर हमें दूसरी या तीसरी तलाक देगा या तलाक नहीं देगा या तीनों तलाक दे देगा और कहानी खत्म।
कबीर, तुमने हमें तीनों तलाक दे दी तो हम तुम्हारे लिए नामहरम बन जाएंगे, कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे। हम जब आबिदा की आप बीती सुन रहे थे ना, जब उसका हाल जान रहे थे ना, तब हमें अपने आप पे भी तरस आ रहा था कि जब कबीर हमें तलाक दे देगा तब हम क्या कहेंगे, क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं या नहीं, या फिर ये दुआ करें अल्लाह से कि नहीं कबीर अपना दिल बदल लेगा, हमें तलाक नहीं देगा। ये सारी उलझने ना कबीर हमें बहुत तकलीफ देती है। कबीर खैर, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, हम बस इतना जानते हैं कि हम आबिदा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। देखो जाकर सो जाओ। क्या हम अलीना के साथ सो जाएं? जरूर। भाभी, अलीना, हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन वो अच्छी खबर तभी सुनाएंगे जब तुम हमें अपने कमरे में सोने की इजाजत दोगे। इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है, अगर आप यहाँ सोएंगी तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। बस एक मिनट, हाँ बैठिए। अब बताइए वो क्या अच्छी खबर है जो आप हमें सुनाना चाहती हैं? तुम्हारी शादी की बात टल गई। सच? भाभी आप सच कह रही हैं? पता है हम तो पहले से जानते थे कि आप सब कुछ संभालेंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने भाई को कहो, हमें नहीं, क्योंकि ये उनकी वजह से हुआ है। हो सकता है भाई की वजह से हुआ हो, पर उनको तो आप ही ने मनाया होगा ना। अलीना सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है ना। भाभी सो जाइएगा ना, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये बताइए मियां और बीवी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अलीना ये कैसा सवाल पूछ रही हो? तुम्हें हमसे पूछना ही है तो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछो, हिस्ट्री के बारे में पूछो, फिजिक्स के बारे में पूछो। अभी हम तुम्हें शादी के खूटे से बनने से बचा के लेकर आए, तुम वहीं बनना चाह रही हो? हमें ना सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछ रहे थे अपनी इत्तला के लिए। प्लीज बताइए ना वो क्या चीज होती है जो मियां और बीवी को बांध कर रखती है। अलीना हमें लगता है कि मियाँ बीवी के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा। भरोसा ना रिश्ते को जोड़ के रखता है, और अगर भरोसा टूट जाए तो पूरा रिश्ता बिगड़ जाता है, पूरा रिश्ता बिखर जाता है। जैसे कि जब कपड़ा उधड़ जाता है तो कैसा रेशा रेशा निकलता है, ठीक वैसे ही एक रिश्ते में भरोसे की बहुत अहमियत होती है। खैर तुम्हें अभी ये सब नहीं समझ आएगा, इसलिए अभी अलीना हमसे सवाल पूछ के खुद सो गई।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। सलाम अलैकुम। क्या क्या हुआ? आज हम बहुत 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 ज्यादा खुश है। और ऐसे क्यों? क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कौन हो आप हमारी? हम आपकी जान। ये सब कुछ नहीं, आपके लिए सब कुछ। वैसे अंदर क्या पक रहा है आपको पता है? क्या? आलू के पराठे। इंतजार करें, चलो भाई। नाश्ता बाद में किया जाएगा, पहले सब चाय पियेंगे। जारा इधर आओ हमारे पास। और कबीर तुम भी यहाँ आओ। कहाँ चल दिए? अम्मी सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है। दरअसल हम भी ये पूछना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है भाई। ये लो बेटा जरा। शुक्रिया अम्मी। हम समझे नहीं अम्मी। तुम दोनों अपने रिश्ते पर ध्यान क्यों नहीं देते? शुक्रिया। दुनिया खुद ब खुद अपना ध्यान रख लेगी। हमें तो इस बात का समझ में नहीं आता। हम खा बेवजह दूसरे कामों में उलझे हुए हो। दुनियादारी तुम दोनों की शादी से बढ़कर है क्या? बेटा पहले तुम दोनों अपने रिश्ते को पुख्ता करो। सारा हम चाहते हैं कि तुम शरिया बोर्ड से इस्तीफा देकर अपना ध्यान सारे केसेस से हटा लो बेटा। और बेटा तुम स्टडी सेंटर की सारी उलझनों को छोड़कर शरिया बोर्ड की सरगर्मियों में अपना वक्त गुजारो बच्चे। और जो जारा को तुमने तलाक देने का फैसला किया है उसे खारिज कर दो बच्चे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और जल्द ही नन्ही सी जिंदगी को वजूद मिलेगा। अपनी अम्मी की ये चाह तुम दोनों पूरी नहीं कर सकते बेटा। तुम लोग देखना जब तुम अम्मी अब्बू बन जाओगे ना तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ जाएगा। सब सब अच्छा होगा। अम्मी सबसे पहली बात आप हमारे होते हुए जमीन पर मत बैठिए। हमें बहुत नहीं सिर्फ बात कर रहे हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि हम स्टडी सेंटर बंद कर देना। अम्मी अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो वो सपने का क्या होगा जो आज के कौम के लाखों नौजवानों की आंखों में चमक रहा है। अम्मी हमने उनसे उनके मुस्तकबिल को रोशन करने का वादा किया था। अगर वो स्टडी सेंटर बंद हो गया तो वादा टूट जाएगा अम्मी। तुम्हारे रिश्ते का क्या, तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या कबीर? ज्यादा मांग लिया क्या तुमसे? अम्मी आपकी हर बात सराखों पे है। हम तो इस केस में पढ़ना भी नहीं चाहते थे। कबीर ने हमसे गुजारिश की। अम्मी इस केस में एक लड़की है आबिदा, उसका कोई सहारा नहीं है और उसकी बेटी, उसका मुस्तकबिल तो हमें अंधेरों में गुम होता हुआ नजर आ रहा है। हम उसका फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अगर आबिदों को इंसाफ नहीं मिला तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप ही बताइए ना कैसे अब ये केस छोड़ दें हम? और तुम दोनों के रिश्ते का क्या? अम्मी हम वादा करें कि हम दोनों कोशिश करेंगे। अम्मी जी अम्मी सच में दिल लगा के कोशिश करेंगे। वादा 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 अम्मी। अम्मी बस आप दुखी मत होइए, हम रोल पड़ेंगे। हम दुखी नहीं हैं। अम्मी हाँ माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का, लेकिन क्या हम अब्बा के पास जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा जाओ। शुक्रिया। हाँ हाँ जरूर जाओ, मगर अचानक क्यों जाना पड़ गया? ये बताने कि लोग उनके मुखालिफत पर उतर आए हैं। हाँ
हाशमी साहब कबीर से मिलने आए थे जी अबू, और उन्होंने अपने बाद कौम की खिदमत के लिए कबीर को चुना है। सच कहें तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है जारा। पर ये तो अच्छी बात है ना काजी साहब, इसमें परेशानी कैसे? परेशानी? आप इसे बेगम परेशानी कह रही हैं? ये बात परेशानी का पुलिंदा है पुलिंदा। शहबाज साहब ने जाती फायदे के लिए कबीर मियां को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, ऊपर से ये हाशमी साहब से ताल्लुकात बढ़ाने वाली बात किसी खतरे से कम नहीं। एक नंबर का कट्टरपंथी इंसान है वो। कबीर मियां अगर उसकी चपेट में आ गए ना तो ना जाने कबीर मियां का क्या होगा। खुदगर्ज इंसान है वो, कबीर मियां को गुटली की तरह चूस कर फेंक देगा। हाशमी जैसे इंसान जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। कबीर मियां को उनसे बच के रहना होगा और उनके लिए यही बेहतर भी होगा।